यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर में न्यू अपडेट आया है, इन्फोटेनमेंट अपडेट है। एंड ये जो इन्फोटेनमेंट अपडेट है, इससे बहुत सारे फीचर्स अपडेट भी हुए हैं एंड कुछ न्यू फीचर्स भी आए हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो, ये सॉफ्टवेयर वर्जन Q5-18.00 है। ये हैरियर एंड सफारी दोनों में आ चुका है। अभी सफारी में आपको ये दिख रहा होगा, सफारी में इंस्टॉल्ड हुआ, ये हैरियर में भी आ चुका है। एंड आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एयर भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसा आप देख सकते हो इसमें गुड अमाउंट ऑफ दिखा रहा है। एंड कैबिन एयर क्वालिटी, यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर द्वारा आपको एयर क्वालिटी दिखाई जाती है। बट ये एयर क्वालिटी वाला जो है, ये सिर्फ सफारी में आता है, बिकॉज एयर प्यूरीफायर जो है उसे सफारी में अवेलेबल है, हैरियर में अवेलेबल नहीं है एयर प्यूरीफायर। एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ये आपको एसेसरी नहीं मिल रही है, आपको स्टॉक में अब मिलने लगी है। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है टाटा की तरफ से कि न्यू फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, बट थोड़े से अभी भी कम फीचर्स हैं हैरियर में, जैसे IR एंड आपको एम्बिएंट लाइटिंग, ये सब जो सफारी में आप पहले से ही दे रहे हो वो आप देना चाहिए। एंड वाईफाई कनेक्शन भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं अब हैरियर और सफारी दोनों में। एंड ये जो आपका अपडेट है, ये इन्फोटेनमेंट अपडेट से ही होके ये वाईफाई कनेक्शन एंड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली आ जाएगा आपकी हैरियर एंड सफारी में। एंड वायरलेस चार्जिंग का कंफर्मेशन नहीं है कि उसे सफारी में आया है कि हैरियर में, बट आपको ये दो तीन चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली मिल जाएगा। एंड ये जो आपका वायरलेस चार्जिंग है, ये कन्फर्म्ड अगर आपका हैरियर सफारी में आ रहा है तो आपका हैरियर में भी 200% होगा ही होगा, नहीं होगा तो एज ए नेसेसरी आपको बहुत सही रेट में मिल जाएगा। अगर आप न्यू हैरियर परचेस कर रहे हो तो एज अ कंपनसेशन भी आप उनसे ले सकते हो। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।